वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे पंचकर्मा। पंचकर्मा क्या है? इसको ऐसे समझते हैं, आप सबके पास कोई ना कोई बाइक या कोई ना कोई गाड़ी है। आई थिंक आप उसकी रेगुलर सर्विस कराते हैं, उसको किसी सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं। वहाँ पर वो जो सर्विस मैकेनिक है वो क्या करता है? वो उसकी क्लीनिंग करता है, उसकी सफाई करता है। उसमें अगर कुछ कचरा है, कोई गंदगी है, इंटरनली उसको चेक किया जाता है आपकी बाइक या कार को, और वो सारी की सारी गंदगी निकाली जाती है। क्या हम अपनी बॉडी के बारे में भी ऐसा ध्यान रखते हैं? क्या हम अपनी बॉडी की सर्विस कराते हैं? क्या हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम बॉडी की रेगुलर सर्विस कराएं तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं? यही पंचकर्मा है। आप अपनी गाड़ी को तो एक सर्विस सेंटर पर लेके जाते हैं, क्या अपनी बॉडी को आप किसी सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं? वो सर्विस सेंटर्स कहाँ हैं? वेलनेस सेंटर, पंचकर्मा सेंटर, वेलनेस स्टूडियो, जहाँ पर भी आयुर्वेदा डॉक्टर के अंडर पंचकर्मा प्रोसीजर्स हो रहे हैं, वो आपकी बॉडी का सर्विस सेंटर है। वहाँ पर रेगुलर विजिट करें, रेगुलर अपनी बॉडी को ऑयलिंग, जिसको हम अभ्यंगम बोलते हैं, उस ऑयलिंग से अपनी पूरी बॉडी पर अच्छे से ऑयल लगवाएँ। उसकी कई तरीके के प्रेशर पॉइंट्स हैं, कई तरीके के मसाज पॉइंट्स हैं, वो आप करवाएं। इंटरनल क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वस्ति चिकित्सा या मेडिकेटेड एनीमा, उससे आपकी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग होना एक रेगुलर टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आप रेगुलरली कराएं। एंड कई तरीके के और प्रोसीजर्स हैं, कई तरीके की और थेरेपीज़ हैं जो आप इन पंचकर्मा सेंटर्स, आप पंचकर्मा में जाके करा सकते हैं। तो ये तो बात हुई हेल्दी इंडिविजुअल्स की। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको कोई बीमारी अभी नहीं है, कोई बीमारी इन फ्यूचर आपको ना लगे, आप अच्छा हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक एक हेल्दी जीवन जिएं। इसके लिए आप इंश्योर करें कि आप रेगुलर पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन कराएँ। बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रैवलर्स पूरी दुनिया से हिंदुस्तान आते हैं, इंडिया आते हैं, और कई कई दिन रहते हैं पंचकर्मा सेंटर्स पे। चाहे हम केरला की बात करें, चाहे हम हिमालयस की बात करें, ऋषिकेश, हिमाचल, कई जगह ऐसे सेंटर्स हैं, गुजरात में कई सेंटर्स हैं, केरल में कई सेंटर्स हैं, महाराष्ट्र में कई स्टेट्स में ऐसे सेंटर्स हैं, जहां पर वो आते हैं, अपना पंचकर्मा कराते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं। ये बात वो समझ चुके हैं, लेकिन हम इंडियंस, जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेदा, एंड जहाँ पर पंचकर्मा के बारे में, जहाँ पर एक 100 वर्ष की हेल्दी आयु, हेल्दी लाइफ के बारे में मेंशन है, उसको शायद हम थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना पंचकर्मा रेगुलर वे में कराएं, एंड ये बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है। ये इन्वेस्टमेंट जो आप अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देखने में, एक पिज़्ज़ा खाने में इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक उसी इन्वेस्टमेंट में आप अपना एक रेगुलर पंचकर्मा करा सकते हैं। एंड ये इन्वेस्टमेंट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी मेंटेलिटी जो हमें समझ में आ रही है, लोगों को क्या लगता है, अरे डॉक्टर साहब मैंने तो 5 लाख की इंश्योरेंस करा ली, मैंने तो 10 लाख की इंश्योरेंस करा ली, बस मेरे को कुछ होगा तो मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में, अपना कार्ड दिखाऊंगा और मेरा तो कवर हो जाएगा। तो आपके बिल्स कवर हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कवर नहीं है, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं होती। जितनी आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। तो प्लीज़ इस एस्पेक्ट को ध्यान रखें। सेकंड, कई सारे ऐसे डिजीज़ हैं, कई सारे ऐसी बीमारियां हैं, कई सारी ऐसी व्याधियां हैं, जहां पर खाली दवाइयां खाना, मेडिसिंस खाना, चाहे वो किसी भी पैथी की हो, उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि जब हमने पंचकर्मा में उसको इंक्लूड किया, जब हमने कई सारे पेन मैनेजमेंट, आप किसी तरीके के दर्द से, आपकी बॉडी में कहीं जॉइंट्स में दर्द है, कहीं शरीर में और किसी भाग में दर्द है, आप उसको पंचकर्मा की सिंपल थेरेपी, जिसमें हम सिकाई करते हैं, ऑयल लगाते हैं, पोटली सिकाई अवेलेबल है, कई कई मसाज थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, उनको अगर आप कराएं तो आपका पेन बहुत इफ़ेक्टिवली रिड्यूस हो सकता है। आपको पेन किलर या स्टेरॉयड खाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इतना तनाव है, स्ट्रेस है, हम सब लोग इस पेंडेमिक, इस एपिडेमिक से जूझ रहे हैं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है। शिरोधारा एक ऐसी थेरेपी है पंचकर्मा में, जो नींद नहीं आने के लिए, स्ट्रेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। कुछ ही सिटिंग्स में आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, जो हमारे को पेशेंट्स ने फीडबैक दिया कि सारी ज़िंदगी इतनी अच्छी नींद नहीं आई।
शिरोधारा टेबल पे ही शिरोधारा कराते कराते वो लोग सो गए और उन्होंने ये फीडबैक दिया कि डॉक्टर साहब आज पहली बार ज़िंदगी में अच्छी नींद आई है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव थेरेपीज़ हैं जो आप करा सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी आयुर्वेदा डॉक्टर और पंचकर्मा सेंटर से कनेक्ट करें, एंड काफ़ी सारी बीमारियाँ जैसे मैंने बताया उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। कई तरीके के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, बच्चों में कई तरीके की व्याधियाँ हैं, ग्रोथ से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें कई तरीके की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, घुटने में प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में पंचकर्मा आपको कई तरीके से, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, कब्ज़ है, गैस है, दुनिया भर की दवाइयाँ खा ली, सिरप पी लिए, कितनी ही थेरेपीज़ करा ली फिर भी कोई आराम नहीं आया, लेकिन पंचकर्मा में उसका सॉल्यूशन मिला और परमानेंट सॉल्यूशन मिला। बाय द वे, एक पॉइंट जो सब लोग सोचते हैं कि शायद आयुर्वेदा थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो है, लेकिन पंचकर्मा थेरेपीज जब आप कराते हैं विद इन फ्यू सिटिंग्स, विद इन समटाइम्स फ्यू मिनट्स एंड आवर्स, आपको उसका रिजल्ट दिखता है, आपको उसका इफेक्ट दिखता है अपनी बॉडी पे। तो जो एक मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेदा स्लो है, पंचकर्मा उसको रूल आउट करता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पंचकर्मा को फॉलो करें, पंचकर्मा को अपनी लाइफ में एक डेली रूटीन में इन्वॉल्व करें, हेल्दी हैं तो रेगुलर करवाएं, एटलीस्ट 3 to 6 months के अंदर अंदर एक बार ज़रूर करवाएं अपना पंचकर्मा। एंड अगर कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं और उसका अगर आपको सॉल्यूशन, उसका इलाज किसी भी पैथी में अवेलेबल नहीं है, तो आप एक बार पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, पंचकर्मा आयुर्वेदा डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंड डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।